नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूं बसंत कुंज एम्बियंस मॉल और लीला प्रमनाड मॉल घूमने के लिए। आज 28 अक्टूबर है, ठीक दो दिन बाद 31 तारीख को दिवाली है। देखते हैं कि इस दिवाली पर कौन सा मॉल कितना अच्छा सजा रखा है। एम्बियंस मॉल के साथ में ही डीलर प्रमनाड मॉल है। सबसे पहले हम एम्बियंस मॉल जाएंगे, देखते हैं कि एम्बियंस मॉल में क्या सजावट की गई है इस बार। सामने आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, ये है एम्बियंस मॉल। आप देख सकते हैं कि बाहर लाइटों से इस मॉल को सजा दिया गया है दुल्हन की तरह। सामने एंट्री गेट है मॉल का, आइए मॉल के अंदर प्रवेश करते हैं। मॉल घूमने का मज़ा तो दोस्तों शाम को ही आता है, इसलिए मैं शाम को ही आया हूँ यहाँ पर। मॉल के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी सजावट की गई है, आप देख सकते हैं वीडियो में। मॉल के अंदर सभी शॉप वालों ने भी अपनी अपनी दुकान के सामने दिवाली पर अच्छी खासी सजावट की गई है। इस दिवाली आप अपनी फैमिली के साथ इस मॉल में घूमने के लिए आ सकते हैं। कितनी सुंदर सजावट की गई है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर छत पर दिया जल रहा हो। दिवाली के अवसर पर सभी दुकानों में डिस्काउंट भी चल रहा है। एम्बियंस मॉल के स्मार्ट बाज़ार को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है स्मार्ट बाज़ार में, आप यहां पर ख़रीदारी करने के लिए भी आ सकते हैं। अब हम आ गए हैं दोस्तों डीलर प्रमनाड मॉल, देखते हैं किस मॉल में क्या सजावट की गई है इस दिवाली पर। डीलर प्रमनाड मॉल एम्बियंस मॉल से कनेक्टेड है, आप एम्बियंस मॉल के अंदर से भी डीलर प्रमनाड मॉल पहुँच सकते हैं। इस मॉल को भी बाहर से बहुत ही अच्छी तरह सजा रखा है, आप देख सकते हैं सामने। जिन्हें सेल्फी फ़ोटोग्राफी करने का शौक़ है वो लोग यहाँ पर ज़रूर आएं। बहुत ही सुंदर सजावट की गई है दोस्तों, रियली। सामने मॉल का एंट्री गेट है, आइए मैं आपको अब मॉल के अंदर ले चलता हूँ, मॉल के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए अंदर का नज़ारा, अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी सजावट की गई है इस दिवाली पर। ये देखिए कितना सुंदर सजाया गया है इस बार। इस मॉल में अगर आपको आना है तो मैं आपको बता दूं कि इस मॉल के नज़दीकी बसंत विहार मेट्रो स्टेशन है। बसंत विहार मेट्रो स्टेशन से इस मॉल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर होगी। मेट्रो स्टेशन के बाहर से आपको दिल्ली के लोकल ऑटो मॉल के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन मॉल में घूमने के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि शाम के समय आइएगा, शाम को बहुत ही ज़्यादा रौनक रहती है इन मॉलों में और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है लोगों की। शाम को आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। अब वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों मॉल में सबसे ज़्यादा अच्छा मॉल कौन सा लगा आपको, सबसे ज़्यादा सजावट किस मॉल में थी, डीलर में या एम्बियंस में। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।